मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो आज हम जा रहे हैं बाइक पर डॉग से मिलने। आकाश कुमार नाम है उनका, BMW S1000 आर आप चलाते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे उन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा व्हीली पर। देखते हैं कैसा रहता है, चलते हैं मिलने एक बार। ये नारायणा में उन्होंने मीटअप रखा है, एक स्टोर है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, मैं डाल दूंगा उसका लिंक भी, उसका एड्रेस भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे राइडिंग गियर्स वगैरह मिलते हैं और वो मतलब बाइक्स का हर तरह का सोल्यूशन उनके पास रहता है सुपर बाइक्स का। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है और वहाँ पर हो सकता है कुछ रिटर्न गिफ्ट वगैरह हमें मिले। चलो बाकी दिखाता हूँ पहुँच के। गाइस ये रहा हमारा रेड लाइन स्टोर और ये चेक करो द रेड ब्यूटी। बाकी क्या है, आकाश भैया भी आए नहीं है, जब वो आ जाएंगे देखते हैं, उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, जो भी रहेगा सीन आपको दिखाते हैं आगे। वीडियो बने रहो। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा नाम पड़ोस का। जी हाँ, ये वही BMW का शोरूम है जहाँ से JS पाजी ने भी S1000 RR लिया। गाइस ये चेक करो, बाइक्स आ रही हैं, बाइक्स अपाचे 310, अपाचे 160, C900, पीछे डुकाटी भी है रेड कलर में। आराम से, कोई बात नहीं, आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो। भाई चेक करो, डॉक्टर साहब आ गए हमारे। स्टोर आप जन्नत है बाबा, जन्नत बाइकर्स के लिए तो जन्नत ही है, बाकी और किसी का मैं कह नहीं सकता। तनार न्यू शेप partnered with some of the most famous international brands. Speedy, Tucano are into MotoGP. HFS is one of the most famous off-road riding gear brand, and Tucano are more into the lifestyle kind of brand. So ये चारों brands को हम इंडिया में लेके आए हैं, and इसके बाद भी हमारे अभी खुद के हमारे private label आ रहे हैं इंडिया में, we'll be winning our own private label. Helmet we will be launching pretty soon here in the Indian market. So a lot of things are gonna come from price end. So like this meetup is all about कि आप लोग थोड़ा सा जो भी questions हैं आपको regarding राइडिंग एयर को लेके, आकाश से है, सुमन भाई से है, ट्रैक से रिलेटेड, राइडिंग एयर से रिलेटेड, वट एवर द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क दीस पीपल, दीस आर द प्रो वंस, आई एम नॉट द प्रो वंस, तो आप इनसे कर दो, जानो उनकी जर्नी को, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट कुलविंदर अंकल ऑल्सो एंड सहज ऑल्सो, आप लोग रेड लाइन रेसिंग की जो जर्नी है उसको आप एक बार सबके सामने आप एक बार बताइए कैसे यू गाइस हैव स्टार्टेड योर जर्नी, एंड ऑल्सो आकाश की जर्नी कि हाउ ही स्टार्टेड दिस जर्नी इनटू राइडिंग, कैसे स्टार्ट की बीइंग अ डॉक्टर, कैसे इन्होंने टाइम निकाला, कैसे अपनी डिग्री के साथ साथ स्टार्टेड राइडिंग। सो लाइक लेट्स
start with Akash, आप एक बार सबको एक बार बता दो अपनी जर्नी. बिल्कुल बिल्कुल यार, अपना अपना एक्सपीरियंस भाई. जर्नी स्टार्ट हुई थी कि 2005 में एक घर के पास एक बंदा था, उसको भूसा थी. तो वहाँ से ना मेरे को शौक चढ़ा यार, मतलब वो हर संडे जाता था. तो ना मुझे जब भी 6 बजे वो निकलता था ना, तो हमेशा मेरे को ये रहता कि अभी ये बंदा निकलेगा, और मैं इस बंदे को हमेशा देखता था संडे को. वहाँ से देखते देखते ना मेरे को मतलब बाइक्स का और शौक चढ़ा. और जब मैंने अपनी फर्स्ट बाइक ली थी पल्सर, जैसे आप सबको पता है भाई पल्सर मतलब इंडियन मार्केट के हिसाब से ना बहुत बढ़िया बाइक थी उस टाइम की. और धीरे धीरे करके और बाइक में घुसते घुसते 2010 में घुसा ली. फिर मैंने उसके बाद से मतलब सिर्फ एक यही शौक है जो आज तक खत्म नहीं हुआ. और जितने मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे दोस्त थे, वो सब ना ये बोलते थे कि यार भाई एक टाइम के बाद ना सब खत्म हो जाएगा, तू डॉक्टर बनेगा, तेरी शादी हो जाएगी. शादी भी हो गई भाई, शादी भी हो गई, पर यार जो शौक है ना वो खत्म नहीं हो रहा था. इनफैक्ट शादी से एक दिन पहले भी ना मेरे को बाइक घुमाने जाना था, और जाना था मुझे सिर्फ 2 किलोमीटर. मैं 28 किलोमीटर की राइड खत्म करके बाइक घुमाने गया था. तो ये सब थी भाई मेरी जर्नी. और धीरे धीरे आप सबके प्यार से यार धीरे धीरे मतलब ग्रो हो रहा है हर चीज़. और एक चीज जो मैंने सीखी है ना, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है भाई. ये गियर्स ना पहनने का नहीं दीजिए, सिर्फ नॉर्मली है सूटी डाल के यहीं से जाना है पास तक. यहाँ पर लग रहे हैं 30 टाके और इधर लग रहे हैं 8-10. ये भाई गलती है, ये आप मत करना ठीक है. कोई भी बाइक चला रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ चाहे स्कूटी भी चला रहे हो ना, वो इतना डर बैठ गया ना अंदर कि अगर मैं स्कूटी भी चला रहा ना भाई कितने ग्लव्स पहनता हूँ पहले मैं. ये 2.5 महीने हो गया से, अभी तक फुल मूवमेंट नहीं आया इसमें. और मतलब मेरे ऐसा बंदा जो हर मेरे को ना 1 साल हुआ बाइक लिए हुए, और मेरी बाइक चल चुकी है 12,000 किलोमीटर RR. और जो मेरे पास पहले वाली RR थी जो मैंने बेगी थी ना भाई, तो 60,000 किलोमीटर मैंने बाइक बेगी थी. जब मैं वापस इंडिया में आया तो मैंने ये देखा कि 30,000 किलोमीटर चलने के बाद ना यहाँ पे सोते बहुत बहुत चल गई बाइक. तो जब मैं पेश कराया था ना, मतलब वैसे मैंने मीटर बाइक कराया था उसका 30,000 सच में सुनाना चाहिए ना. बट भाई एक चीज़ वो मैंने देखी ना, मेरे को जो यहाँ पर कमी फील हुई थी ना कि मैं डाइनीजी और एल्पाइन स्टार वगैरह पहनता था, जो मैंने यहाँ पर जो कमी फील हुई थी वो ये थी कि यहाँ पर मेरे को जो गियर्स थे ना उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं लगी. मैं नाम नहीं लेना चाहता वैसे ऐसी किसी ब्रांड का, मेरे भाई ने पहन रखी थी एक मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है, इसका थोड़ा सा क्रैश हुआ ना तो उसकी पूरी पैंट यहाँ से फट गई थी. तो मोस्टली वो ना 6-7 लोगों ने यहाँ पहन रखी है, मेरे को ट्रस्ट हट गया उस चीज़ से भाई. मतलब ये नहीं करना. वो अभी जो क्या राइस मोटर लेकर आया यहाँ पर, जो अभी मैंने बताया 4 प्रीमियम ब्रांड्स. अभी जो एक जैकेट है मेरे पास एक साउंड की, उसकी अगर मैं आपको प्रोटेक्शन दिखाऊंगा ना, मतलब नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन है उसमें. और जैसा मतलब एक ट्रू ब्रांड को चाहिए ना कि अगर जो क्रैश वगैरह हो सब बचा ले, तो उसी हिसाब की जैकेट है. है किसी इंडियन ब्रांड में पहन तो लू जो ब्रांड है एक्सॉन, ये भी मिल रहा है राइस मोटर के साथ. और अगर आप ये इसमें कोई सा भी गियर्स लोगे ना तो आपको मिलेगा 5% ऑफ अगर आप बाइक का टॉप 5 लगाओगे. और काफ़ी बढ़िया जैकेट है यार, सच में बहुत बढ़िया फील देती है. और जिस हिसाब से अगर एक एग्रेसिव राइडर है ना, मेरे हिसाब से यार उसके पास सबसे ना जो बेस्ट चीज़ होनी चाहिए वो गियर्स होनी चाहिए. क्योंकि यार अगर हम
देखो सब बाई करो, कभी ना कभी भाई गिरता है बंदा, सभी कभी ना कभी ठुके होंगे ना, तुम ठुके हो ना भाई बहुत बार। तो भाई गियर्स होते हैं इम्पोर्टेंट जो हमें बचाते हैं, कि ऑलरेडी हम बाइक पर नेकेड होते हैं किसी भी ठुक सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाई जो गियर्स वगैरह होते हैं ये आपको बचाते हैं, जैसे अभी रिसेंट क्रैश में अगर ये ग्लव्स पहने होते तो ये ना होता, इसमें 2.5 लाख रुपये लगते हैं। आकाश भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। इनके साथ हमने फोटो सेशन वगैरह भी किया और एक Q&A सेशन भी हुआ था जिसकी वीडियो मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूंगा। और हमें राइस मोटो की तरफ से भी थोड़ा गिफ्ट हैम्पर वगैरह मिले थे और कुछ भाई लोग मिले थे, इनके साथ भी हमने फोटो सेशन किया। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर लो ताकि आप अगला Q&A सेशन देख पाओ। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय।